घर से दूर होने पे जो पीड़ा होती है ना, मैं समझ सकता हूँ बेटा, मैं इस जिंदगी को जिया हुआ हूँ, 8 साल ना हॉस्टल में रहा हूँ, 8 ईयर्स इन द हॉस्टल। बट आज अगर मैं बात करूँ ना, मेरे कोई भी जो है ना भाई, आज बहुत बड़ा कोई आदमी नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो भी पार्शियल जो सक्सेस है उसमें हॉस्टल का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है बेटा। क्योंकि मैं जब घर पे रहता था, घर से जाता था तो अलग ही होता था, एकदम बोल नहीं पाता था, शर्मिला होता था, किसी से बात करते हुए 4 बार सोचता था, डर लगता था, हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जैसे हॉस्टल में 2 साल रहा, उसके बाद में बोला किससे बात करनी है, बोला प्रधानमंत्री से करनी है, लचल कर आते 2 मिनट बात कर आते, इतना चेंज आता है। तो घर से बाहर निकलना, क्योंकि कुछ बच्चे, मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, इस दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुटपाथ में रहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने के बारे में भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, कचरा बीनते बेटा। आपके आसपास कुछ लोग देखे होंगे जो थैलियां उठाते हैं, बोतल उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, भर भर के बैग ले जाके किसी को बेच रहे होते हैं। उनका सपना होती है गवर्नमेंट स्कूल कि मुझे मेरे घर वाले पढ़ा दें, मुझे ये काम नहीं करना पड़े, मुझे स्कूल में जाके पढ़ लूं मैं, एक सपना है उन बच्चों का। जो बच्चे फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब निकल रहे होते हैं टाई लगा के, बेल्ट लगा के, आई कार्ड डाल के, जूते पहन के, अप टू डेट एक अलग ड्रेस में, तो वो ये सोचते हैं कि काश मेरे पापा ना मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, बहुत बड़ा सपना होता बेटा उनका। अब जो बच्चे हॉस्टल उसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उनके सपने अलग होते हैं कि सर मैं पढ़ने तो जाता हूं लेकिन शाम को आके पढ़ नहीं पाता हूं, घर पे माहौल नहीं होता, कभी मम्मी कह देती है बकरी चली गई, कभी है ना खेत में जानवरों को भगाने जाता हूं, कभी पापा दादाजी कहते थे बेटा हुक्का भर के ला, चिलम भर के ला, कभी मम्मी कहती है बेटा एक फटाफट ये कटोरी लेके आ, थाली लेके आ, प्याली लेके आ, कभी जो है ना दादी कहती थी बेटा एक बार देखना मम्मी बाहर गई हुई है, चूल्हे के ऊपर रोटी कहीं जल तो नहीं, एक बार उलट कर देना उसको। कभी छोटे वाला मुन्ना आता है, भैया 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 आज ना दादाजी ने मेरे को टोपी दिया, डिस्टर्ब करता है, तो उनका सपना होता है कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं आराम से बैठ के अकेला पढ़ पाऊं, जहां हर कोई मेरे आसपास के लोग भी पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ाई माहौल से होती है बेटा, जहां माहौल होता है ना, जैसे आप अकेले घर पे रह रहे, ज्यादा पढ़ूंगा ये सोचता ना, जाके पढ़ूंगा, पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगा, ऐसे करते करते रात हो जाती है, सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, सुबह उठते ही पढ़ूंगा, फिर सुबह उठ के पता चलता है जब नहाते हैं तब तक बस की स्कूल बस का हॉर्न आ जाता है, बैग उठा के वापस ले आते हैं। मेरे साथ भी अभी भी होता है, मैं कल 3 बुक लेके गया था कि कंप्यूटर पे काम करूंगा, फिर ऐसे बैठे बैठे मैं करेंगे 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 ऐसे करके टाइम पूरा हो गया, वो बुक ऐसे कैसे उठा के वापस ले आए, 3 किताब आज की बात है, 3 किताब अभी लेके आया मानस अपने हाथ में, नहीं कर पाया क्योंकि माहौल नहीं था। जबकि यहाँ ऑफिस में दिन भर मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ क्योंकि सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जब बीच में गैप आता है आराम से बैठ के दीपक जी सर के पास कंप्यूटर पे कई सारे डाटा है कई वो कर लेता हूँ, घर पे जाने के बाद में अकेले की इच्छा नहीं होती। तो हॉस्टल तो कुछ बच्चे ऐसे बेटा जो प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं लेकिन वो सोचते हैं मुझे भी काश मैं भी हॉस्टल में रह पाता, ये लास्ट सीमा है, इसके आगे नहीं होता। इसके फुटपाथ में रहने वाला सरकारी के बारे में सोचता, सरकारी में पढ़ने वाला प्राइवेट के बारे में सोचता, प्राइवेट में पढ़ने वाला हॉस्टल के बारे में सोचता, इसके आगे दुनिया नहीं है बेटा, ये लास्ट स्टेज है। धन्यवाद देना अपने मम्मी पापा को, थैंक्स बोलना परम पिता को, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, अपने मम्मी पापा को कि तुम्हें हॉस्टल में रख के पढ़ा रहे हो। दुनिया के कुछ बच्चे हैं जो बेचारे हॉस्टल छोड़ो आप स्कूल नसीब नहीं मिला, उन परम पिता को, अपने पापा को, मामा को धन्यवाद देना कि मुझे अगले लास्ट स्टेज में ले जाके डाल दिया है, अब अगर कमी रही तो मेरी है, मम्मी पापा की नहीं है। अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो अब कमी मेरी है, मम्मी पापा की नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से हाइएस्ट लेवल दे दिया बेटा, हाइएस्ट लेवल इज द हॉस्टल, वो दे दिया बेटा, इसके आगे अगर कमी रख रहे हो तो आप रख रहे हो, इसके आगे अगर कोई कमी है ना बेटा तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार। तो आप अपने आप को बेटा भयंकर तरीके से, ये दोस्त काम में नहीं आएंगे। एक बार अभी हालांकि थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, नया नया बच्चा है आपस में एक दूसरे से, लेकिन एक बार अगर बोलने की आदत पड़ गई ना, बात करने की, गांव में कहते हैं पटेलाई करने की, फिर रहा ही नहीं जाता है, फिर रहा नहीं जाता बेटा, फिर तो बात वही जाके कमरे में बैठू और बातें करूं, उससे बड़ा मजा आता है बातों में, एक बार रस लग जाता ना बहुत आनंद आता है बातों में। हालांकि दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक बार सिस्टम प्रॉपर शुरू होने के बाद में आपको अकेला छोड़ेंगे ही नहीं, हॉस्टल केवल सोने के काम आएगा, शाम को सोना,
रात को सोना, सुबह उठना, बाकी जो जीवन है बेटा वो हमारी आंखों के सामने चलेगा। आपका क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, वो सारा नजरों के सामने होगा, बीच में एक आधा घंटा रेस्ट मिलेगा बस, और वही आपको एक दिन बहुत बड़े मुकाम पे मिल जाएगा। रिजल्ट ऐसा आएगा कि लोग देखते रह जाएंगे, अकल्पनीय आएगा बेटा, जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। जो एक आम आदमी के लिए तो सिर्फ एक सपना होता है बेटा, उस लेवल का रिजल्ट आएगा। इसलिए बार बार उस चीज को इमेजिन करो, बार बार उस चीज की कल्पना करो कि जब मैं सक्सेस होकर घर पे आ रहा हूं तो घर वालों की खुशी से क्या स्थिति या क्या हालत हो रही होगी, वो कितने खुश होंगे, है ना। जैसे वो अभी जो बिटिया एफएसओ बनी है, सुनीता बिटिया, मोहनपुरा झालरा मोहनपुरा की बेटी, तो कह रही है मैंने शाम को उसका इंटरव्यू डाल रखा, उसने कहा मैंने शाम को रिजल्ट देखा, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनी है बेटा, बहुत बड़ी अधिकारी होती है, एक गांव की छोटी सी बोली सी बच्ची है, वो पहली बार हॉस्टल में आती है तो एक स्कूल में आती है, उसी दिन डिसाइड कर लेती है पढ़ूंगी तो यही पढ़ूंगी। आप उसका इंटरव्यू देखना, उसको वो क्रेज कोर्स करने आती है, सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, उसने पता क्या बोला भगवान को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखना उसका पूरा इंटरव्यू, आंखों में पानी आ जाएगा आपको। उसने कहा मैं दुखी नहीं हुई, मैं बहुत खुश थी, फेल होने पे खुश थी मैं। तो मैंने कहा बेटा ऐसा क्या हुआ कि मुझे एक साल राजधानी में और पढ़ने का मौका मिल रहा था, मुझे और सीखने का मौका मिल रहा था। आप देखना उस बेटी का इंटरव्यू, उसने कहा मैं बहुत खुश हुई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग तो रोते, मैं तो बहुत खुश हुई कि एक साल और जीवन जीना सीखूंगी, क्योंकि मुझे पहले यह पता था कि पढ़ाई 12वीं तक होती है, उसके बाद तो कॉलेज या स्कूल जाना नहीं पड़ता, केवल परीक्षा देने जाते हैं। मैं तो इतना ही जानती थी जब घर से आई थी, उसने कहा मैं जब घर से आई तो मैं तो इतना ही जानती थी कि पढ़ाई 12वीं क्लास तक होती है, उसके बाद में पढ़ाई होती ही नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास की जो बच्ची है वो कालाडरा सरकारी कॉलेज में जा रही होती या किसी और कॉलेज में, तो वो जाती ही नहीं थी, वो तो परीक्षा देने जाती थी। तो मेरे को तो मैं आप देख लेना बेटा, उसने कहा मुझे तो भगवान कसम मुझे नहीं पता था 12वीं के बाद में पढ़ाई होती है, मैं तो मानता 12वीं के बाद तो बस केवल एग्जाम ही देनी पड़ती है, लेकिन यहां आने के बाद न जाने कितनी चीजें सीख गई मैं। हाथों हाथ उसी साल अपनी छोटी बहन को लेके आ गई, 3:30 बजे उनकी गाड़ी, मम्मी उठती थी उनकी, और 5:30 बजे वहां से गाड़ी रवाना होके, और 6:15 बजे क्रेश कोर्स की क्लास चालू हो जाती थी उस समय, 6 बजे सुबह। तो मेरी मम्मी 3:30 बजे उठती थी, मम्मी अनपढ़ है, पापा पांचवी सातवीं पढ़े हुए हैं, और वो बड़ी वाली बेटी एमएससी के बीच में ही, अभी एमएससी पूरी नहीं हुई बेटा, एक साल की एमएससी बाकी है, और फूड सेफ्टी ऑफिसर बन गई। जैसे एक खाने का इंस्पेक्टर होता है ना, ऐसी पोस्ट होती है, किसी भी दुकान को जाके किसी भी फैक्ट्री को जाके चेक करने का अधिकार होता है उनके पास। तो उसने कहा जीवन बदल गया सिर्फ एक एडमिशन से, एक क्लास लेने से। फर्स्ट डे उसने कहा पहले दिन डिसाइड कर लिया कुछ भी हो यही पढ़ूंगी, एक दिन में डिसाइड कर लिया। तो ये जो टाइम है ना बेटा, ये वापस नहीं आता दुनिया में, सारी चीजें आप दुनिया के बेहतरीन समय में जी रहे हैं बेटा, आप जीवन के प्राइम टाइम में जी रहे हैं। ये समय अपने आप को योद्धा बनाने का बेटा है, शक्ति अर्जित करने का है, तपस्या करने का है, बहुत भयंकर बनाने का अपने, फिर देखना बाकी जिंदगी कैसे बादशाहों की तरह जियो, बहुत बड़े योद्धाओं की तरह जियो बेटा। इसलिए लड़ेंगे और जीतेंगे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। थैंक यू बेटा।